जय हो शिव शंभो। नमस्कार दोस्तों, महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए यूं तो वर्ष में कोई भी समय, कोई भी वार, कोई भी माह अत्यंत श्रेयस्कर है, परंतु फिर भी शिव भक्तों के लिए श्रावण का महीना कुछ और ही है। इसकी बात ही कुछ निराली है। इसका कारण यह है कि स्वयं महादेव ने यह कहा है कि सभी 12 महीनों में से मुझे श्रावण का महीना अति प्रिय है। द्वादश स्वपि मासेषु श्रावणो में अति वल्लभः। ऐसा स्कंद पुराण में महादेव स्वयं अपने मुख से ऐसा कहते हैं। अब यहीं पर ही कुछ प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। पहला ये कि महादेव के साथ, भोले भंडारी के साथ सोमवार का ही दिन क्यों जुड़ा हुआ है। दूसरा ये कि ये 16 सोमवार क्या है, जो हम श्रावण के महीने में 16 सोमवार का आरंभ करते हैं, ये सोमवार 16 ही क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कोई अत्यंत रोचक कथा है? और तीसरा प्रश्न ये है कि ये 16 सोमवार श्रावण के महीने से ही क्यों आरंभ होते हैं? इनका अपना महत्व क्या है और क्यों है? तो आइए इन सभी बातों का उत्तर हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। आप बस हमें अपना प्रेम देते रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि ये आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमें पत्रम पुष्पम यानी अपना श्री सहयोग भी प्रदान करें। शिव पुराण के विधेश्वर संहिता के 14 अध्याय में इस बात का उल्लेख आता है कि जब सूत जी अन्य ऋषियों को यज्ञों के बारे में, इंद्रदेव के बारे में और अग्निदेव के बारे में बता रहे थे, तो बात आई वारों की उत्पत्ति की, यानी उनके नामकरण की। तब सूत जी ने यह बताया कि वारों का जो क्रम था उसकी उत्पत्ति महादेव के वार के साथ हुई। अब बात आती है कि महादेव के वार के साथ ही क्यों? क्योंकि महादेव ही अनादि होते हुए भी आदि देव हैं, आदि योगी हैं, आदि गुरु हैं। ये संपूर्ण सृष्टि ही महादेव का लिंग स्वरूप है। शक्ति और सृष्टि का आधार महादेव ही हैं और इस ही कारण जब वारों की उत्पत्ति की कल्पना महादेव ने करी तो पहला वार स्वयं के लिए चुना, स्वयं का वार चुना। इसीलिए हम पहला वार शिववार के रूप में समझ सकते हैं। इधर हमें एक और बात समझनी होगी। ये विधेश्वर संहिता है, इसके पीछे का कारण यह है कि वेदों में, पुराणों में महादेव को इस सृष्टि का वैद्य भी कहा गया है। ये आरोग्य प्रदान करते हैं और इस ही कारण शिववार आरोग्य देता है। दूसरा वार महादेव ने शक्ति को समर्पित किया और इस ही कारण ये वार संपत्ति प्रदान करता है। तीसरा वार महादेव ने कुमार को दिया, कुमार कार्तिकेय को, जो दुर्गति से रक्षा करता है, यानी पहला वार आरोग्य प्रदान करता है, दूसरा संपत्ति प्रदान करता है और तीसरा दुर्गति से रक्षा करता है। संपूर्ण सृष्टि का हित देखने वाले भगवान विष्णु को महादेव ने चौथा वार समर्पित किया। फिर आयुवर्धक, आयुकर्ता ब्रह्मदेव को पांचवा वार दिया। पुष्टि यानी समृद्धि के लिए इंद्रदेव को छठा वार समर्पित किया गया और कर्म फल के दाता यमराज को सातवां वार। यहीं पर हमें एक बात को समझना होगा कि हमारा जो आजकल का समय है उसमें हम अपने सप्ताह का आरंभ करते हैं मंडे से, यानी सोमवार से, परंतु भारतीय पद्धति के अनुसार सप्ताह का आरंभ होता है रविवार से। तो अब आप समझ गए होंगे कि शिववार कौन सा है। अब जब महादेव ने सभी वारों को उनके देवताओं को समर्पित कर दिया, फिर जो इस संसार में सुख दुख लेकर आते हैं, जो इस संसार में सुख दुख के सूचक हैं, जिनका प्रभाव हम सभी के जीवन पर पड़ता है, उन ग्रहों को इन सभी वारों का स्वामी नियुक्त किया गया। अर्थात जो शिव वार था, यानी जो महादेव का वार था, उसके स्वामी बनाए गए सूर्यदेव। फिर जो शक्ति का वार था, उसके स्वामी बनाए गए सोमदेव यानी चंद्रदेव। कुमार का जो वार था, उसके स्वामी बनाए गए मंगल ग्रह। अर्थात महादेव का वार रविवार, देवी का वार सोमवार और कुमार कार्तिकेय का वार मंगलवार। फिर बुध ग्रह को भगवान विष्णु के वार का स्वामी बनाकर बृहस्पति को ब्रह्मदेव के वार का स्वामी बनाया गया। शुक्र को इंद्रदेव के वार का और शनि ग्रह को यमराज के वार का स्वामी बनाया गया। अर्थात यमराज के वार के स्वामी हो गए शनि, और इसी कारण वो कहलाता है शनिवार। इंद्रदेव के वार के स्वामी बने शुक्र, इसी कारण वो कहलाता है शुक्रवार। और ऐसे ही हमें सभी वारों के नाम की उत्पत्ति का भी कारण और उसकी कथा का पता चलता है। शिव पुराण में दिए गए इस विवरण के अनुसार अब हम समझ गए हैं कि रविवार जो है वो महादेव का वार है, परंतु फिर भी बात यह आती है कि सोमवार महादेव के साथ क्यों जुड़ा है। इसका कारण भी हम इस पूरे क्रम में समझ सकते हैं। सोमवार शक्ति का वार है, देवी का वार है, संपत्ति का वार है। अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि की जो संचालिका है उनका वार है, और इस ही कारण महादेव को सोमवार अत्यधिक प्रिय है। यहीं पर ही हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। कई ग्रंथों में सूर्य और चंद्र को महादेव की दो आंखें, उनके दो नेत्र बताए गए हैं। उनका जो तीसरा नेत्र है वो है अग्नि। अब जो उनका बायां नेत्र है यानी उनका वाम नेत्र, वो है चंद्रदेव। महादेव का परिवार है, उनकी जो वाम भागिनी है यानी जो उनके बाईं ओर बैठती हैं, वो है स्वयं शक्ति महादेवी, देवी पार्वती। और इस ही कारण जो सोमवार है वो देवी को समर्पित किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर कि 16 सोमवार का क्या कारण है। ये जो संख्या आई है 16, ये क्यों आई है, इसके पीछे का कारण क्या है। यहाँ पर हमें दो बातों को समझना होगा। पहला, ये मुझे बताइए कि पूजा का अर्थ क्या है, यानी जो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, संध्या पूजा करते हैं, उसमें पूजा जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। पूजा में दो शब्द आते हैं, एक है पुह। ये जो संस्कृत का शब्द है पुह, इसका अर्थ है जिसकी इच्छा करी जाए, और जिसकी इच्छा करी जाए उसको अर्जित करने के लिए जो विधि होती है वो है पूजा। अब जब भी हम किसी भी देवता का पूजन करते हैं वो हम 16 यानी षोडश उपचार के साथ करते हैं, जिसमें आसन आता है, उनका आवाहन आता है, गंध, पुष्प, जल, वस्त्र इत्यादि। यानी हम 16 विधियों से, 16 प्रकार से हम देवता का पूजन करते हैं। तो जो 16 संख्या है उसका तो एक निवारण हो गया। अब यहीं पर हम एक कथा भी सुन लेते हैं। कथा स्कंद पुराण में कुछ इस प्रकार आती है कि एक स्त्री थी अत्यंत सुंदर, उसका नाम था सुगंधा। सुगंधा क्यों था? क्योंकि उसके शरीर से एक मनमोहक सुगंध आती थी जो सभी को उसकी ओर आकर्षित करती थी। अपने इस ही टैलेंट के कारण सुगंधा नामक स्त्री को स्वयं पर अभिमान हो गया। एक दिन वो उज्जैन के क्षिप्रा नदी के तट पर यज्ञ हवन करते हुए कुछ ऋषियों के पास पहुंची। उसने सोचा कि इन ऋषियों को भी क्यों ना मैं अपने मनोरंजन के लिए स्वयं की ओर आकर्षित करूं। तो सुगंधा ने नृत्य करना आरंभ किया, तरह तरह की कलाएं दिखाई, परंतु जो ऋषि थे वो अपने यज्ञ में ही मग्न थे। अब उसके कारण कुछ इस प्रकार की घटना हुई कि उसी क्षण सुगंधा के शरीर से सारी की सारी मनमोहक सुगंध छू हो गई, उड़ गई, समाप्त हो गई। सुगंधा को बड़ा अचरज हुआ। तब जाकर के एकाएक सुगंधा को उन ऋषियों के तप का, उन ऋषियों के कर्म का मर्म समझ में आया। उसे समझ में आया कि जो आकर्षण है, जो शक्ति है, जो मोहित कर सकती है, वो तो भगवान का भजन कीर्तन है, भगवान के लिए किया गया यज्ञ है, तप है। तभी से उसके मन में ग्लानि हुई। इस बात का प्रायश्चित करने के लिए सुगंधा उन ऋषियों के पास गई और हाथ जोड़ करके निवेदन किया और बोला कि ऋषिवर, कृपया करके मुझे बताइए कि मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं। तब ये सुनेगा, तब उन ऋषियों ने कहा कि देवी, आप 16 श्रृंगार करके संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती थी और इस ही कारण आप 16 सोमवार का व्रत करके, महादेव का विधिवत पूजन करके अपना प्रायश्चित करें। तो इस ही सुंदर संक्षिप्त कथा में हमें 16 संख्या का एक और कारण पता चल गया, मालूम चल गया। अब यहां पर एक और बात आती है, हमारा तीसरा प्रश्न कि सोमवार समझ में आ गया, 16 सोमवार समझ में आ गया, ये 16 सोमवार श्रावण से ही क्यों आरंभ करे जाए, इसमें श्रावण मास का क्या महात्म्य है? अब हम इसको समझते हैं। हमने हमारे वैशाख मास के वीडियो में आपको ये बताया था कि किस प्रकार महीनों के भारतीय नाम रखे जाते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है। इसके पीछे का साइंस मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, वो ये है कि जिस महीने की पूर्णिमा के समय जो आकाश में नक्षत्र होता है, उस ही के नाम पर उस महीने का नाम भारतीय पंचांग के अनुसार रखा जाता है। जैसे कि ये जो श्रावण का महीना है, ये श्रावण महीने की पूर्णिमा को जो श्रवण नक्षत्र होता है, उस ही के नाम पर रखा गया है। अब यहीं पर ही मैं आपको एक साइंटिफिक और बहुत ही रोचक बात बताता हूं। ये जो श्रवण नक्षत्र है, इसका आकार हमारे कानों के आकार से मिलता जुलता है और साथ ही साथ इसका जो चिन्ह है वो 3 पग का है, अर्थात ये भगवान वामन का भी सूचक है और ये माता सरस्वती के साथ भी जुड़ा है। इसी कारण बहुत ही सोच समझ करके हमारे ऋषियों ने साइंटिफिकली इस पूरे महीने का नाम श्रावण रखा है, ताकि आप श्रवण करते रहें, यानी सुनते रहें महादेव की, भगवान विष्णु की कथाओं को, उनका भजन करें, कीर्तन करें, उन्हीं का चिंतन करें। यहीं पर एक और बात मैं अपनी ओर से रखता हूँ। ये जो श्रावण का महीना है, सावन का महीना है, ये कदाचित प्रकृति के सभी रंगों को हमें सुनाने के लिए ही है। अर्थात यूँ तो बाकी सभी महीनों में या तो गर्मी पड़ती है या फिर सर्दी पड़ती है, पर श्रावण का ही ऐसा महीना है जब धूप भी खिलती है। बारिश हो जाने के कारण, ठंडी हवाएं चलने के कारण थोड़ा बहुत हमें ठंडा भी लगता है, सर्दी का भी थोड़ा बहुत सुख मिलता है। और जब धरती जलमग्न हो जाती है तो जितने भी जीव जंतु धरती के अंदर रहते हैं वे भी बाहर आ जाते हैं। अर्थात प्रकृति का आप नाद, प्रकृति की ध्वनि, इस संपूर्ण महीने में आप श्रवण करते रहें। प्रकृति जो कि भगवान का ही एक स्वरूप है, देवी का ही स्वरूप है, उस ही का आप भजन कीर्तन करते रहें, उसी को आप सुनते रहें, श्रवण करते रहें। इसी कारण इस श्रावण महीने का इतना महत्व है। इसी के साथ दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो कथाएं हैं, ये जो जानकारी है, ये पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। मेरे जो कुछ विचार निकलते हैं वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। और यदि अच्छे लगे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे कमेंट करके तो बताइए कि ये सारी बातें आपको कैसी लगी। और आप सभी से मुझे पत्रम पुष्पम यानी श्री सहयोग की भी आशा है। आपसे अनुरोध है कि आप हमें अपना श्री सहयोग प्रदान करते रहें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। हर हर महादेव। These evil stories begin.